मैंने गैस पर एक पैन रख लिया है। पैन में डालेंगे एक छोटा चम्मच रिफाइंड ऑयल। अब इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन, लहसुन को अच्छे से भून लेंगे। लहसुन अच्छे से भून गया है, अब इसमें डालेंगे एक चौथाई का बारीक कटी हुई प्याज। इसको भी अच्छे से भून लेंगे। प्याज भी बहुत अच्छे से भून गई है। अब इसमें डालेंगे एक चौथाई कप पीली शिमला मिर्च, जिसको मैंने छोटा छोटा काट लिया है। हरी शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च और इसमें डालेंगे एक चौथाई कप कॉर्न। सबको तेज गैस पर भून लीजिए। सारी सब्जियां अच्छे से भून गई हैं। अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, एक छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो। सबको मिक्स कर देंगे और गैस को यहाँ मीडियम हीट पर ले लेंगे। अब हम यहाँ पर गैस को ऑफ कर देंगे। एक बड़ा चम्मच डालेंगे इसमें टोमेटो केचप और अब हम इसमें थोड़ी सी ग्रेट करेंगे चीज। चीज आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को बहुत पसंद होती है इसलिए हम ज्यादा ही डाल रहे हैं। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लीजिए, हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है। आप चलते हैं अगले स्टेप पर। तो यहाँ मैंने ली है एक बिल्कुल ताजी ब्रेड और अब हम इसको थोड़ा सा बेल लेंगे। अब इस पर लगाएंगे बटर। इसके सेंटर में रखेंगे स्टफिंग। स्टफिंग को हम डायगोनली रखेंगे इस तरह से। थोड़ी सी लगाएंगे इसमें चीज। और अब इसको धीरे से फोल्ड करेंगे इस तरह से और इसको टूथपिक की मदद से रोक देंगे इस तरह से। अब इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा बटर लगा देंगे। थोड़ा सा इसके ऊपर से छिड़क देंगे चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा ऑरिगेनो। और इसी तरह से हम अपने सारे पार्सल तैयार कर लेंगे। लीजिए, हमारे सारे पार्सल्स बनकर तैयार हो गए हैं और अब हम इनको सेकेंगे। यहाँ मैंने गैस पर फिर से एक पैन ले लिया है और इसको हम कवर करके 2 से 3 मिनट तक हम प्रीहीट करेंगे। 3 मिनट हो गए हैं। अब इस पैन को करेंगे ऑयल से ग्रीस। गैस को बिल्कुल लो हीट पर रखिएगा और अब हम अपने पार्सल को इसमें सेकेंगे जब तक कि इसकी चीज मेल्ट नहीं हो जाती। इसको ढककर रख देंगे। चीज काफी अच्छे से मेल्ट हो रही है इसकी और अब हम इसको नीचे से भी चेक कर लेते हैं। देखिए, नीचे से भी ये बहुत ज्यादा क्रिस्पी हो गए हैं। बस इसी तरह से हम अपने सारे पार्सल को तैयार कर लेंगे। लीजिए, हमारे सारे पार्सल तैयार हैं। अब जब कभी भी आपका मन करे पिज्जा खाने का या जिंगी पार्सल खाने का, तो बाजार से मंगाने की जरूरत नहीं है और ना ही कहीं बाहर जाने की जरूरत है।
बस इन्हें बनाइए और इंजॉय कीजिए।